कभी भी किसी भी व्यक्ति से, चाहे वह व्यक्ति घर का हो या बाहर का हो, किसी भी व्यक्ति से ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी व्यक्ति से ज्यादा बोलते हो तो वह व्यक्ति आपको मूर्ख समझने लगता है। इसके पीछे से सदियों पुराना रहस्य छुपा है, इसलिए इस रहस्य को हम आज के इस वीडियो में एक रोचक कहानी के माध्यम से जानेंगे और शांति के फायदे भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हरी भरी हरियाली और पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से भारतीय गांव में स्वामी राजेश नाम के एक श्रद्धेय भिक्षु रहते थे। स्वामी राजेश अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और मानवीय आत्मा की गहन समझ के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनका मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए मीलों की यात्रा करते थे। एक दिन आकाश नाम का एक कुख्यात चोर मुसीबत में पड़ गया। स्थानीय बाजार में चोरी के असफल प्रयास के बाद ग्रामीणों ने उसका पीछा किया था। हताशा में आकाश ने शांत मठ में शरण ली, जहां स्वामी राजेश रहते थे। चोर की असली पहचान से अनजान स्वामी राजेश ने बाहें फैलाकर उसका स्वागत किया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, आकाश ने खुद को मठ के शांतिपूर्ण माहौल और स्वामी राजेश की बुद्धिमान शिक्षाओं की ओर आकर्षित पाया। जब साधु आंतरिक शांति, आत्मचिंतन और आत्मा की वास्तविक प्रकृति को समझने में मौन के महत्व के बारे में बात कर रहा था, तो चोर ने ध्यान से सुना। हालांकि आकाश को आंतरिक शांति की अवधारणा को अपनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उनके बेचैन स्वभाव ने उन्हें अपनी आंतरिक उथल पुथल से पुष्टि और ध्यान भटकाने के लिए लगातार बात करने के लिए मजबूर किया। स्वामी राजेश ने इस व्यवहार को दया से देखा और चोर को एक मूल्यवान सबक देने का फैसला किया। एक शाम जब वे टिमटिमाते तारों के नीचे मठ के बगीचे में बैठे थे, स्वामी राजेश ने आकाश को पास के कुएं से पानी से भरा एक बड़ा मिट्टी का बर्तन लाने के लिए कहा। चोर भिक्षु को प्रसन्न करने के लिए उत्सुक था, जल्दी से उसकी बात मानी और पानी से भरा भारी बर्तन लेकर वापस लौट आया। तब स्वामी राजेश ने आकाश को एक उथले पैन में पानी डालने और यह देखने का निर्देश दिया कि लहरें सतह पर अराजक पैटर्न बनाती हैं। भिक्षु ने समझाया कि मन बर्तन में पानी की तरह अत्यधिक बातचीत और बाहरी विकर्षणों से परेशान होने पर उत्तेजित और बादल बन जाता है। स्वामी राजेश द्वारा प्रस्तुत गहन सादृश्य को समझते ही आकाश को यह एहसास हुआ। चोर ने अपने कार्यों पर विचार किया और पहचाना कि कैसे बकबक की उसकी निरंतर आवश्यकता ने उसे अपने भय और असुरक्षाओं का सामना करने के लिए अपनी आत्मा के भीतर गहराई तक जाने से रोका था। उस दिन के बाद से आकाश ने स्वयं को सचेतनता का अभ्यास करने और आंतरिक मौन विकसित करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने शांत चिंतन में घंटों बिताए, उन अनियमित विचारों को शांत करना सीखा जो एक बार उनके दिमाग को परेशान कर रहे थे। स्वामी राजेश को अपना मार्गदर्शक बनाकर पूर्व चोर ने आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति की दिशा में एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की। साल बीतते गए और आकाश में एक अद्भुत कायापलट हुआ। उनका हृदय, जो कभी लालच और धोखे से भरा हुआ था, अब सभी प्राणियों के लिए दया और सहानुभूति से भर गया है। जो ग्रामीण कभी उससे डरते थे, वे अब उससे सलाह मांगते थे और अपने परीक्षणों और कठिनाइयों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान की प्रशंसा करते थे। जहां तक स्वामी राजेश की बात है, भिक्षु ने गर्व से देखा कि उनकी शिक्षाएं एक सुधरे हुए चोर में फल ला रही थीं। वह जानबूझकर मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था कि सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब कोई व्यक्ति मन की बातचीत को शांत करना सीखता है और अपने भीतर मौजूद गहन शांति के साथ फिर से जुड़ना सीखता है। और इसलिए साधु और चोर की कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में काम करती है कि बहुत अधिक बात करना हमें अपने वास्तविक स्वरूप के करीब नहीं लाता है। यह आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण के शांत क्षणों में है कि हम ज्ञान और शांति के असीम भंडार की खोज करते हैं जो हमारी आत्मा के भीतर रहता है। वही दोस्तों, अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। काश सुदूर देश में आरव नाम का एक भिक्षु रहता था। आरव अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और अपने आध्यात्मिक पथ के प्रति अटूट समर्पण के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। दूर दूर के गांवों से लोग उनका मार्गदर्शन लेने और उनकी शिक्षाओं से सीखने के लिए कई दिनों तक यात्रा करते थे। आरव हरे भरे पहाड़ों में बसे एक साधारण आश्रम में रहता था, जो झरने के झरने और चहचहाते पक्षियों से घिरा हुआ था। उन्होंने अपना दिन ध्यान, प्रार्थना और अपने छोटे बगीचे की देखभाल में बिताया।
अपने शांतिपूर्ण आचरण के बावजूद आरव की छवि एक मूक भिक्षु के रूप में थी जो केवल आवश्यक होने पर ही बोलता था। एक दिन निखिल नाम का एक युवक जीवन, उद्देश्य और खुशी के बारे में अपने ज्वलंत सवालों के जवाब तलाशते हुए आश्रम पहुंचा। निखिल एक बकबक था जो अपनी परेशानियों, उपलब्धियों और सपनों के बारे में अंतहीन बात करना पसंद करता था। उनका मानना था कि बहुत अधिक बातें करना आंतरिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान पाने की कुंजी है। आश्रम की शांत आभा से प्रभावित और आरव की मौन बुद्धि से प्रभावित होकर निखिल ने साधु से एक पूर्ण जीवन के लिए अपने रहस्य साझा करने की विनती की। आरव बस मुस्कुराया और निखिल को अपने साथ जंगल की सैर पर चलने का इशारा किया। जैसे ही वे घुमावदार रास्ते पर चल रहे थे, निखिल हवा को शब्दों से भरने की इच्छा को रोक नहीं सका। उसने भिक्षु को अपने ज्ञान और बुद्धि से प्रभावित करने की आशा करते हुए अपनी महत्वाकांक्षाओं, भय और इच्छाओं के बारे में बात की। दूसरी ओर आरव ने धैर्यपूर्वक सुना, उसकी आंखें समझ से चमक उठी। घंटों चलने के बाद वे ऊंचे पेड़ों और खिले हुए फूलों से घिरे एक शांत स्थान पर पहुंचे। आरव काय से ढके पत्थर पर बैठ गया और निखिल को भी ऐसा करने का इशारा किया। युवक ने भिक्षु की गहन शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुकता से उसका अनुपालन किया। लंबे प्रवचन में शामिल होने के बजाय आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक मधुर धुन गुनगुनाना शुरू कर दिया। भव्य रहस्योद्घाटन और जटिल सिद्धांतों की अपेक्षा करते हुए निखिल उस क्षण की सरलता से आश्चर्यचकित रह गया। लेकिन जैसे ही उसने भिक्षु की सुखदायक धुन सुनी, उसके मन में लगातार चल रही बकबक को शांत करते हुए शांति की भावना आ गई। जैसे ही निखिल आरव के पास रहा, उपस्थित स्थिर और मौन रहने की कला सीखता रहा, घंटे दिन में बदल गए। वह एक भी शब्द बोले बिना गहन सत्य व्यक्त करने की साधु की क्षमता पर आश्चर्यचकित था। आरव ने निखिल को सिखाया कि सच्चा ज्ञान बोले गए शब्दों की मात्रा में नहीं, बल्कि अपनाई गई चुप्पी की गुणवत्ता में निहित है। ध्यान, चिंतन और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से निखिल ने उन उत्तरों को खोजना शुरू कर दिया जिनकी वह हमेशा से तलाश कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि बहुत अधिक बातें करना उसकी आंतरिक उथल पुथल और भय का सामना करने से बचने का एक तरीका था। आश्रम की शांति में उन्हें अपने संदेहों और असुरक्षाओं का सामना करने का साहस मिला, जिससे उन्हें आत्म जागरूकता के प्रकाश में घुलने का मौका मिला। महीने बीत गए और निखिल का परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनका एक बार बेचैन मन ब्रह्मांड की सुंदरता को प्रतिबिंबित करने वाली एक शांत झील बन गया था। जो लोग उन्हें पहले से जानते थे, वे उनकी नई शांति और समझ की गहराई से आश्चर्यचकित थे। एक दिन जब आरव और निखिल तारों से जगमगाते आकाश के नीचे बैठे थे, तो युवक ने अपने दिल की बात कही। मास्टर, मैं मानता था कि बहुत अधिक बातें करना ही सुनने और समझने का एकमात्र तरीका है, लेकिन अब मैं उस सच्चे संचार को देख रहा हूं। शुरुआत सुनने से दिमाग को शांत करने और दिल खोलने से होती है। निखिल के कंधे को थपथपाते हुए आरव की आंखें गर्व से चमक उठी। मेरे प्रिय शिष्य, तुमने सबसे बड़ा रहस्य खोज लिया है, आत्मा को जगाने के लिए मौन की शक्ति। याद रखें, बहुत अधिक बात करने से हवा शोर से भर सकती है, लेकिन शांति में ही हमें अपनी सच्ची आवाज मिलती है। और इसलिए निखिल ने आत्म खोज की अपनी यात्रा जारी रखी, अपने प्रिय भिक्षु के ज्ञान को अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों तक फैलाया। मूक भिक्षु और बातूनी युवक की कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसने अनगिनत आत्माओं को भीतर की ओर मुड़ने और मौन की गहन सादगी में सांत्वना पाने के लिए प्रेरित किया। वही दोस्तों, अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भारत की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक सुदूर गांव में स्वामी प्रकाश नाम के एक बुद्धिमान और श्रद्धेय भिक्षु रहते थे। वह अपने गहन ज्ञान, शांत आचरण और अपनी आध्यात्मिक साधना के प्रति अटूट समर्पण के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनका मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए मीलों की यात्रा करते थे। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक, जो अपनी लगातार बात करने और घमंडी स्वभाव के लिए जाना जाता था, उस मठ में पहुंचा जहां स्वामी प्रकाश रहते थे। अर्जुन जोरदार तेज तर्रार था और ऐसा लगता था कि वह दुनिया की हर चीज पर एक राय रखता था। उनका मानना था कि बहुत अधिक बातचीत करने से दुनिया को उनका ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्रदर्शित होती है। भिक्षु की शिक्षाओं के बारे में उत्सुक अर्जुन ने
स्वामी प्रकाश से मुलाकात की। बुद्धिमान साधु ने हल्की मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया और उसे मठ के बगीचे में शांत तालाब के पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही वे एक साथ बैठे, प्रकृति की सहानुभूति से घिरे, स्वामी प्रकाश ने बोलना शुरू किया, अर्जुन कल्पना करो कि तुम्हारा मन इस तालाब की तरह है, शांत और चिंतनशील। जब हम अत्यधिक बात करते हैं तो यह पानी में कंकड़ फेंकने, लहरें पैदा करने और उसकी शांति को भंग करने जैसा है। उसी तरह हमारे शब्द पानी की शांति और स्पष्टता को भंग कर सकते हैं। हमारा दिमाग हमें अपने भीतर से जुड़ने से रोकता है। अर्जुन ने ध्यान से सुना उसकी सामान्य बातचीत की जगह जिज्ञासा और आत्मनिरीक्षण की भावना आ गई। स्वामी प्रकाश ने आगे कहा, सच्चा ज्ञान हमारे शब्दों की मात्रा में नहीं बल्कि हमारी चुप्पी की गहराई में निहित है। जब हम अपने मन की बेचैन करने वाली बकवास को शांत करते हैं तो हम खुद को गहन अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक विकास के लिए खोलते हैं। अगले दिनों में अर्जुन ने भिक्षु की दैनिक दिनचर्या को विस्मय और प्रशंसा के साथ देखा। स्वामी प्रकाश ने अपने दिन ध्यान, प्रार्थना और ग्रामीणों की निस्वार्थ सेवा में बिताए। उनकी हरकतें किसी भी शब्द से अधिक जोर से बोलती थीं और उनकी उपस्थिति से शांति और शांति की भावना पैदा होती थी जो संक्रामक थी। एक शाम जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया, अर्जुन विनम्र हृदय से स्वामी प्रकाश के पास पहुंचे। स्वामी, मुझे अपने तरीकों की मूर्खता का एहसास हो गया है। मेरी निरंतर बकबक एक ढाल थी जो मेरी असुरक्षाओं और भय को छुपा रही थी। मैं आपसे निकलने वाली शांति और ज्ञान को पाने के लिए उत्सुक हूं। क्या आप आत्मखोज के इस मार्ग पर मेरा मार्गदर्शन करेंगे? स्वामी प्रकाश ने करुणा भरी आंखों से अर्जुन की ओर देखा। प्रिय अर्जुन, अंदर की यात्रा एक पवित्र यात्रा है जो आत्मचिंतन, विनम्रता और अहंकार को दूर करने की इच्छा से प्रेरित है। आपके शब्द बहुत हो सकते हैं लेकिन आपका दिल अब आपकी आत्मा की फुसफुसाहट के लिए खुला है। चलो मेरे बगल में और साथ मिलकर हम एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलेंगे। और इसलिए स्वामी प्रकाश के मार्गदर्शन में अर्जुन ने सत्य और आत्मज्ञान की अपनी आंतरिक खोज शुरू की। मौन चिंतन, दयालुता के कार्यों और अपने आध्यात्मिक अभ्यास के पोषण के माध्यम से उन्होंने अपने भीतर शांति और उद्देश्य की एक नई भावना की खोज की। साल बीतते गए और अर्जुन अपने श्रद्धेय गुरु की शिक्षाओं को अपनाने लगा। वह अपने शब्दों के लिए नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति की गहराई और अपने कार्यों में करुणा के लिए जाने गए। एक समय घमंडी रहने वाला वह युवक उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों के लिए प्रकाश और ज्ञान की किरण बन गया था। जैसे ही शांत गांव में सूरज डूबा, स्वामी प्रकाश और अर्जुन तालाब के किनारे एक साथ बैठे, उनके दिल आत्मा की साझा यात्रा से बने बंधन में एकजुट हो गए। प्रकृति के सामंजस्य के शांत आलिंगन में उन्होंने पाया कि सच्ची तृप्ति और आत्मज्ञान दुनिया के शोर में नहीं बल्कि उनके आंतरिक अस्तित्व की गहन शांति में है। और इस प्रकार भिक्षु और बातूनी युवक की कथा गांव की लोक कथाओं में बुनी गई एक शाश्वत अनुस्मारक कि बहुत अधिक बात करना हमें आत्मा में वापस नहीं लाता है बल्कि यह मौन की कोमल फुसफुसाहट के माध्यम से होता है। हमारे अस्तित्व का असली सार खोजें, वही दोस्तों। अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भारत के एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक साधु रहता था जो अपनी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उन्होंने आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की तलाश में अपने दिन गहन ध्यान में बिताए। रवि की उपस्थिति उसके आसपास के लोगों की बेचैन आत्माओं पर एक शांत मरहम की तरह थी। एक दिन जब रवि गांव से गुजर रहा था, उसने बाजार के पास हलचल देखी। उत्सुकतावश वह भीड़ के बीच से निकला और उसने माया नाम की एक खूबसूरत युवा महिला को साबुन के डिब्बे पर खड़े होकर ग्रामीणों से एनिमेटेड बातें करते देखा। माया को उनकी शानदार प्रतिभा और अपने शब्दों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। दूर दूर से लोग उनकी बातें सुनने आते थे। रवि ने देखा कि माया बाहरी सुंदरता, भौतिक संपत्ति और सांसारिक सफलता के महत्व के बारे में भावुकता से बात कर रही थी। उसके शब्द शहद जैसे मीठे और मोहक थे जो लोगों को धन और प्रसिद्धि के वादे से आकर्षित करते थे। उसकी सुंदरता और करिश्मे से मंत्रमुग्ध होकर गांव वाले उसकी हर बात पर ध्यान देते थे। हालांकि जैसे ही रवि ने माया की बातें सुनी, उसने उसकी चमकती आंखों के पीछे एक सूक्ष्म खालीपन देखा।
ऐसा लगता था मानो वह दूसरों से मान्यता प्राप्त करके अपने भीतर के खालीपन को भरने की कोशिश कर रही थी। रवि को माया के लिए दुख की अनुभूति हुई, ये महसूस करते हुए कि उसके बाहरी आकर्षण ने असुरक्षा और लालसा की गहरी भावना को छिपा दिया था। जब माया ने अपना भाषण समाप्त किया और भीड़ तितर बितर हो गई तो रवि हल्की मुस्कान के साथ उसके पास आया। नमस्ते प्रिय माया, उसने धीरे से कहा, आपके शब्द वास्तव में शक्तिशाली हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर निहित है। माया ने रवि की ओर उत्सुकता से देखा, उसकी दृष्टि में एक अलग तरह की बुद्धिमत्ता का एहसास हुआ। उसे अपने दिल में एक अजीब सी कसक महसूस हुई, भीड़ की सतही प्रशंसा से अधिक गहरी और अधिक सार्थक चीज की चाहत। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रवि और माया एक साथ समय बिताने लगे, जीवन, प्यार और सच्ची खुशी की प्रकृति पर चर्चा करने लगे। रवि ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा की कहानियां साझा की कि कैसे उन्होंने आंतरिक शांति और ज्ञान की तलाश के लिए सांसारिक इच्छाओं को त्याग दिया था। बदले में माया ने अपने डर और असुरक्षाओं के बारे में खुलकर बात की, जिससे उसके आत्मविश्वास भरे मुखौटे के नीचे की भेद्यता का पता चला। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से माया ने रवि की आंखों से दुनिया को देखना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी लगातार बकबक और बाहरी सत्यापन की खोज केवल उसके अपने आंतरिक राक्षसों का सामना करने से ध्यान भटकाने के लिए थी। रवि के मार्गदर्शन से उसने अपनी आत्मा की गहराइयों का पता लगाना शुरू कर दिया, कंडीशनिंग और अहंकार की उन परतों को खोलना शुरू कर दिया जिन्होंने उसके वास्तविक सार को ढक दिया था। एक दिन जब वे एक बरगद के पेड़ की छाया के नीचे एक साथ बैठे थे, रवि ने समझदारी भरी मुस्कान के साथ माया की ओर देखा। उन्होंने धीरे से कहा, ज्यादा बातें करने से हम आत्मा में वापस नहीं आते, सच्ची शांति और खुशी मौन अपनाने से हमारे दिल की फुसफुसाहट सुनने से आती है। माया ने सिर हिलाया, उसे एक सौम्य नदी की तरह शांति का एहसास महसूस हुआ। उस पल में उसे आंतरिक शांति का सही अर्थ और सांसारिक विकर्षणों से मुक्त आत्मा की सुंदरता समझ में आई। उस दिन से माया और रवि आत्मखोज के मार्ग पर एक साथ चले, आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा में एक दूसरे का समर्थन किया। गांव ने आश्चर्य से देखा कि एक बार बातूनी और सांसारिक माया शांत शक्ति और ज्ञान की एक किरण में बदल गई। उसकी सुंदरता भीतर से चमक रही थी और इस तरह साधु और खूबसूरत महिला की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई। यह याद दिलाती है कि सच्ची खुशी बाहरी दुनिया के कोलाहल में नहीं बल्कि अपनी आत्मा की शांति में निहित है। वही दोस्तों, अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। बहुत समय पहले राजसी हिमालय पर्वतों के बीच बसे एक शांत गांव में स्वामी रमण नाम का एक बुद्धिमान और श्रद्धेय भिक्षु रहता था। स्वामी रमण अपने गहन ज्ञान, अपने सौम्य आचरण और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। दिल, दिमाग और आत्मा के मामलों पर स्वामी रमण का मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूर दराज के देशों से लोग कठिन यात्रा करेंगे। उनकी शिक्षाएं प्रकाश की किरण की तरह थीं, जो उन लोगों के मार्ग को रोशन करती थीं, जो अज्ञानता और भ्रम के अंधेरे में खो गए थे। एक दिन एक युवा शिष्य स्वामी रमण के पास आया और बोला, गुरु मुझे एक समस्या है, मैं खुद को लगातार बेकार की बातचीत और गपशप में उलझा हुआ पाता हूं। मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं और अक्सर अपने आंतरिक अस्तित्व की उपेक्षा करता हूं। मैं अपने शोर को कैसे शांत कर सकता हूं? मन लगाओ और अपने आप को अंदर वापस लाओ। स्वामी रमण ने शांत मुस्कान के साथ शिष्य को जंगल में टहलने के लिए अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही वे फुसफुसाते हुए पेड़ों और पत्तों की हल्की सरसराहट के बीच चले, स्वामी रमण ने प्राचीन ग्रंथों से एक कहानी साझा करना शुरू किया। स्वामी रमण ने कहना शुरू किया, घने जंगल के बीचों बीच एक पेड़ था। उनकी आवाज कोमल लेकिन गूंजती थी। यह पेड़ पूरे देश में सबसे ऊंचा और सबसे राजसी था। इसकी शाखाएं आकाश तक पहुंचती थीं और इसकी जड़ें धरती में गहराई तक फैली हुई थीं। एक दिन पेड़ ने देखा कि जो पक्षी उसकी शाखाओं के बीच गाते थे वे चुप हो गए थे, जो जानवर उसकी छाया में शरण लेते थे वे अब पास नहीं आते थे। पेड़ को एहसास हुआ कि वह अपनी भव्यता और सुंदरता से इतना मोहित हो गया था कि यह अपना वास्तविक उद्देश्य भूल गया था। पेड़ की पत्तियां दुहक से सरसराने लगीं और उसकी शाखाएं अफसोस से झुक गईं। उसने हवा से कहा,
मेरे दोस्तों ने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं इस जंगल में बू अकेला क्यों खड़ा हूं? हवा ने नरम दुलार के साथ उत्तर में फुसफुसाया, हे शक्तिशाली वृक्ष, तुम सच्ची महानता का रहस्य भूल गए हो। यह तुम्हारी शाखाओं की ऊंचाई या तुम्हारी जड़ों की गहराई में नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व की शांति में है और तुम्हारे पत्तों की हल्की सरसराहट। स्वामी रमण एक पल के लिए रुके। उनकी नजर उस युवा शिष्य पर टिकी जो ध्यान से सुन रहा था। स्वामी रमण ने आगे कहा, पेड़ हवा की बातों का मतलब समझ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भीतर की शांति को गले लगा लिया। उसने शेखी बघारने और डींगे हांकने की अपनी जरूरत को छोड़ दिया और इसके बजाय उसने प्रकृति की सुंदरता और आकाश की विशालता के सामने खुद को विनम्र कर लिया। पक्षी इसकी शाखाओं के बीच गाने के लिए लौट आए और जानवरों ने एक बार फिर इसकी छाया में सांत्वना मांगी। पेड़ ने अपने अस्तित्व के सार तक अपने भीतर वापस जाने का रास्ता खोज लिया था और ऐसा करते हुए उसने अपने वास्तविक स्रोत को फिर से खोज लिया था, ताकत और सुंदरता। युवा शिष्य ने अपनी आंखों में नई समझ और कृतज्ञता के साथ स्वामी रमण की ओर देखा। धन्यवाद मास्टर, वह फुसफुसाया। अब मैं देख रहा हूं कि बहुत अधिक बात करने से हम आत्मा में वापस नहीं आते हैं। मैं अपने मन के शोर को शांत कर दूंगा और अपने भीतर की फुसफुसाहट को सुनूंगा। स्वामी रमण धीरे से मुस्कुराए और शिष्य के कंधे पर हाथ रखा। याद रखें मेरे बच्चे, सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता उन शब्दों में नहीं है जो हम बोलते हैं, बल्कि उस मौन में है जो हम अपने दिलों में रखते हैं। अपने कार्यों को अपने शब्दों से अधिक जोर से बोलने दें और आपको सच्ची शांति और ज्ञान मिलेगा। और इसलिए युवा शिष्य ने स्वामी रमण के कालातीत ज्ञान और अपनी आत्मा के जंगल में पत्तियों की हल्की सरसराहट द्वारा निर्देशित होकर आत्मखोज और आत्मनिरीक्षण की यात्रा शुरू की। वही दोस्तों, अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भारत की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में स्वामी देवानंद नाम के एक बुद्धिमान और श्रद्धेय भिक्षु रहते थे। वह अपनी गहन बुद्धिमत्ता, अटूट करुणा और अटल आंतरिक शांति के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। दूर दूर से लोग मार्गदर्शन, सांत्वना और ज्ञान की तलाश में उनके पास आते थे। स्वामी देवानंद ने अपने दिन शांत चिंतन में एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में ध्यान करते हुए और अपने साधारण बगीचे की देखभाल में बिताए। अकेले उनकी उपस्थिति का उनके आसपास के लोगों पर शांत प्रभाव पड़ा और उनके शब्दों में सदियों के आध्यात्मिक ज्ञान का भार था। एक दिन आनंद नाम का एक युवक, जो ऊर्जा और उत्साह से भरा था लेकिन ध्यान और दिशा में कमी थी, स्वामी देवानंद से सलाह लेने आया। आनंद उस भिक्षु के पास मौजूद आंतरिक शांति और ज्ञान के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक थे। स्वामी जी, मैं दुनिया की अराजकता में खो गया हूं, मेरा मन बेचैन है और मैं स्पष्टता और उद्देश्य चाहता हूं। आनंद ने बुद्धिमान साधु के सामने आदरपूर्वक झुकते हुए कहा। स्वामी देवानंद ने सौम्य मुस्कान के साथ युवक का स्वागत किया और उसे बरगद के पेड़ के नीचे अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। भिक्षु ने धीरे से कहा, आनंद, जो उत्तर आप खोज रहे हैं वह आपके भीतर है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मन की बातचीत को शांत करना और अपनी आत्मा की आवाज सुनना सीखना होगा। आनंद उत्सुक तो था लेकिन अधीर भी था। उसके मन में लाखों प्रश्न उमड़ रहे थे और वह तुरंत उत्तर चाहता था। स्वामी जी, मैं शांति और उद्देश्य कैसे पा सकता हूं? मैं उन संदेहों और भयों को कैसे शांत कर सकता हूं जो मुझे परेशान करते हैं? आनंद ने उत्सुकता से पूछा। भिक्षु ने आनंद को उन आंखों से देखा जिनमें युगों का ज्ञान समाहित था। स्वामी देवानंद ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अधिक बात करने से हम आत्मा में वापस नहीं आते हैं। मौन में ही हमें वह सच्चा उत्तर मिलता है जिसकी हमें तलाश है। आनंद अचंभित रह गया। उन्हें लंबे दार्शनिक प्रवचनों और जटिल शिक्षाओं की अपेक्षा थी, मौन की शक्ति के बारे में एक साधारण बयान की नहीं, लेकिन उसने साधु पर भरोसा किया और उसकी सलाह मानने का फैसला किया। कई दिनों तक आनंद स्वामी देवानंद के पास मौन बैठे रहे, बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करते रहे और अपने आसपास की दुनिया को नई स्पष्टता के साथ देखते रहे। भिक्षु कभी कभी कहानियां और दृष्टांत साझा करते थे जो आनंद के दिमाग में गहरी अंतर्दृष्टि जगाते थे, लेकिन अधिकांश भाग के लिए वे शांतिपूर्ण मौन में बैठे रहते थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए,
आनंद में बदलाव आना शुरू हो गया। उसका मन शांत हो गया, उसका हृदय अधिक खुला हो गया और उसकी आत्मा ब्रह्मांड की लय के प्रति अधिक अभ्यस्त हो गई। उसने दुनिया को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर दिया, आश्चर्य और कृतज्ञता की भावना के साथ, जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया और आकाश को नारंगी और गुलाबी रंग के हजारों रंगों में रंग दिया, तो आनंद अपनी आंखों में कृतज्ञता के आंसू लेकर स्वामी देवानंद की ओर मुड़े। स्वामी जी, मुझे मौन की शक्ति दिखाने के लिए धन्यवाद। मुझे शांति उद्देश्य और अपने आंतरिक स्व से गहरा संबंध मिला है, आनंद ने कहा। उनकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। साधु आनंद की ओर देखकर दयालुता से मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे महान सत्य अक्सर सबसे सरल शिक्षाओं में पाए जाते हैं। बहुत अधिक बात करना हमें वर्तमान क्षण की सुंदरता और भीतर निहित ज्ञान से विचलित कर देता है। याद रखें, मौन शोर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि आंतरिक की उपस्थिति है शांति, स्वामी देवानंद ने कहा। उनके शब्द आनंद की आत्मा की गहराई में गूंज रहे थे। उस दिन से आनंद स्वामी देवानंद के एक समर्पित शिष्य बन गए और उनके रास्ते में आने वाले सभी लोगों के बीच मौन, ध्यान और आंतरिक शांति की शिक्षाएं फैलाने लगे। और जैसे जैसे साल बीतते गए, यह गांव न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, बल्कि बरगद के पेड़ के नीचे शांतिपूर्ण साधु से निकले गहन ज्ञान के लिए भी जाना जाने लगा। और इसलिए स्वामी देवानंद और आनंद की कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्चा ज्ञान दुनिया की निरंतर बातचीत में नहीं, बल्कि आत्मा की गहन चुप्पी में पाया जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।